युवराज के बॉडीगार्ड ने चिराग पासवान के समर्थक पर कराया केस। सीएम नीतीश कुमार से की घटना की जांच कराने की मांग। जानिए पूरा मामला। समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज के बॉडीगार्ड ने चिराग पासवान गुट के प्रिंस पासवान पर अस्पताल में हंगामा करने और धक्का मुक्की करने को लेकर कंकड़बाग थाने में केस दर्ज करवाया है। मामला मंगलवार देर रात का है। प्रिंस पासवान कंकड़बाग थाने के समीप स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती सांसद की मां से मिलने पहुंचे थे। वहां सांसद के बॉडीगार्ड ने उन्हें रोक दिया। आरोप है कि इससे खफा होकर प्रिंस पासवान ने सरकारी बॉडीगार्ड के साथ धक्का मुक्की की। कंकड़बाग थानेदार रविशंकर सिंह ने बताया है कि केस दर्ज पर पुलिस आरोपों के बाबत छानबीन कर रही है। अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है। इधर सांसद प्रिंस राज ने बुधवार को दो ट्वीट कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से घटना की जांच कराने की मांग भी की है। पहले ट्वीट में प्रिंस राज ने लिखा है कि चिराग पासवान के छात्र अध्यक्ष सिमंत मृणाल उर्फ प्रिंस पासवान और उनके 7-8 साथियों द्वारा रात तकरीबन 12 बजे शराब के नशे में अस्पताल में हंगामा किया गया, जहां हमारी माता जी का इलाज पिछले 2 दिनों से चल रहा है। दूसरे ट्वीट में प्रिंस राज ने लिखा है कि हमारे अंग रक्षक द्वारा रोके जाने पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और कहा कि हम चिराग पासवान के आदमी हैं। प्रिंस के ट्वीट पर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा के प्रवक्ता चंदन सिंह ने बताया है और कहा कि प्रिंस राज के सारे आरोप निराधार और बेबुनियाद। धन्यवाद।